तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारी इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है भारत का पहला पॉन्ड होटल को। जी हाँ फ्रेंड्स, पॉन्ड होटल ये किस तरह के होटल होते हैं, इनमें कौन कौन सी फैसिलिटीज पैसेंजर्स को मिलती है, इस होटल में रुकने के लिए पैसेंजर्स या फिर कॉमन पीपल को कितना पे करना होगा, इस होटल में कौन कौन सी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर मोर वीडियोस लेटेस्ट अपडेट के लिए। पॉन्ड होटल, पॉन्ड होटल इसे सबसे पहले डेवलप किया था जापान ने और अब इसे हमारे भारत में भी पहली बार लॉन्च किया है हमारी इंडियन रेलवे ने। ये होटल मुंबई सेंट्रल में बनाया गया है और इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ रेलवे राव साहेब दानवे जी के हाथों। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस पॉन्ड होटल को कैप्सूल होटल भी कहा जाता है। इस पॉन्ड होटल के कंस्ट्रक्शन की जो लागत है वो है 230 करोड़ रुपीज की और ये जो होटल है उसे भारतीय रेलवे ने अपनी ही स्टाइल में अपनी ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। ये होटल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से पूरी तरह से लैस है और फैसिलिटीज की बात करें तो इस होटल में पैसेंजर्स और कॉमन पीपल्स के लिए काफी सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे वाईफाई, टीवी, स्मॉल लॉकर, एडजस्टेबल मिरर, एसी, एयर फिल्टर वेंट, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लाइट्स जैसे और भी कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। और अब बात करते हैं इस होटल में रुकने के लिए पैसेंजर्स को कितनी अमाउंट पे करनी होगी। तो दोस्तों अगर पैसेंजर्स को या फिर कॉमन पीपल्स को 12 घंटे रुकना हो तो इसके लिए उन्हें पे करना होगा 999 रुपीज और वहीं अगर पैसेंजर्स को 1 डे मतलब 24 घंटे के लिए रुकना होगा तो वहां पर उन्हें पे करना होगा 1999 रुपीज। वैसे हमारी इंडियन रेलवे एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज पैसेंजर्स को प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। अब यहाँ पर इन्होंने इस तरह के होटल को भी कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें पैसेंजर्स काफ़ी चीपेस्ट अमाउंट में इस होटल में रुक सकेंगे, साथ ही काफ़ी सारी फैसिलिटीज को भी इंजॉय कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह के मॉडल और एडवांस होटल के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए।